प्लीज मत कर। बिग बॉस इतना ज्यादा बायस्ड होगा ये नहीं पता था, मतलब बायसनेस दिखाई जाएगी इस बात का अंदाजा था, लेकिन अपनी फेवरेट बहू को बचाने के लिए बिग बॉस इतना डर्टी गेम खेल डालेंगे ये शायद आपको भी आइडिया नहीं होगा। मतलब अभी रिसेंटली हमने देखा कि टॉर्चर टास्क घर में होने वाला है, जिसका प्रोमो सामने आया और उसमें मनारा और अभिषेक को जितनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है ना, शायद ही किसी को किया गया हो। वेल, ये कहना गलत है क्योंकि हर साल हर सीजन में इस तरह का टॉर्चर टास्क देखा जाता है और हमेशा लोग यही कहते हैं कि यार इस बार तो इन्होंने अति कर दी। पर हाँ, मुंह पर वैक्स करना अभिषेक के, वो सच में काफी इनह्यूमन था। वेल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दूसरी टीम की जिसके साथ अब दोबारा से टॉर्चर टास्क होने वाला है, तो भाई यहाँ पर बिग बॉस ने गुगली खेल दिया और वो ये कि टीम ए यानी कि अभिषेक, मुनव्वर, मनारा और अरुण के सामने एक शर्त रखी गई कि या तो आप इन सब को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए जिससे कि ये सभी के सब नॉमिनेट हो जाएंगे, या फिर आप इन सब को 28 मिनट के अंदर अंदर आउट करके दिखाइएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि भाई अगर टॉर्चर करें तो करें कैसे, क्योंकि अंकिता, विकी, ईशा ने घर की तमाम चीजों को छुपा दिया है। जी हाँ, दरअसल इस टास्क में दो टीम के अंदर सभी कंटेस्टेंट को बांटा गया, टीम ए मुनव्वर, अभिषेक, मनारा और अरुण, टीम बी अंकिता, विकी, ईशा और आयशा। टीम ए के साथ टॉर्चर टास्क हुआ जिसका प्रोमो हमने देखा और मनारा के प्यारे प्यारे फेस पर लाल मिर्चों को जिस तरह से रगड़ा गया ना, वो सच में काफी ज्यादा भयानक था। लेकिन वहीं अंकिता लोखंडे, जो दिल की लड़की, दिल से रिश्ते निभाने वाली लड़की बनती हैं, तो उन्होंने अभिषेक कुमार के फेस पर वैक्स कर डाली और ये सच में काफी इनह्यूमन था। तो वहीं आयशा ने जिस तरह से मनारा को बुरी तरह से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया ना, भाई लड़की गेम तो अच्छा खेली लेकिन बाहर उसको गालियां पड़ रही हैं। लेकिन अब जब बारी आती है टीम बी की, तो भाई एक दिन का रेस्ट दिया जाता है कि आप भी थोड़ा सा रिकवर हो जाइए। लेकिन यहाँ पर अंकिता, विकी की टीम ये करती है कि सारी चीजों को छुपा देती है, मतलब साबुन से लेकर पाउडर, इनफैक्ट वैक्स स्ट्रिप से लेकर रेजर और लाल मिर्च के पाउडर को तो भाई पानी में फेंक देते हैं, और साथ ही जिस बकेट से पानी निकाला जाता वो बकेट भी विकी जैन ने पेड़ पर फेंक दी। तो भाई उन्होंने तो कर लिया जो करना था, लेकिन अपने लिए हर चीज को साफ कर दिया। इस बात की शिकायत लेकर अभिषेक और मुनावर भी पहुंच गए बिग बॉस के पास और बिग बॉस ने उनके सामने ये गंदी सी डील रख दी जिसमें उनको दो ऑप्शन मिले और एक ऑप्शन ये था कि भाई या तो आप उन सभी को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए जिससे चारों के चारों नॉमिनेट हो जाए, या फिर आप इनको 28 मिनट में जैसे भी टॉर्चर करके दिखाइए। अब यहाँ फैसला क्या होगा टीम ए का, ये तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, ये जो बिग बॉस ने अपनी बहू रानी को बचाने की जो तरकीब लगाई है ना, भाई बिग बॉस इतनी बायसनेस भी नहीं दिखानी थी। मतलब एक इंसान को तो, एक टीम को तो इतना टॉर्चर दिलवा दिया और दूसरी टीम को साफ सीधा मुक्त कर दिया इस चीज से। खैर, बिग बॉस का गेम है, बिग बॉस की चलती है, बिग बॉस का घर है, तो बिग बॉस जो कहेंगे वही होगा। फिलहाल इस टॉर्चर टास्क पर आपकी क्या राय है और आपका क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।